पंजाब के जलंधर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 9 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई। सिविल हॉस्पिटल से दिन दिहाड़े एक महिला जब इस बच्ची को किडनैप कर रही थी तो वो जोर जोर से रोने लगी, जिससे आसपास के लोगों को शक हुआ और मामले में पड़कर उन्होंने बच्ची को किडनैप होने से बचा लिया और महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल मॉडल हाउस की रहने वाली ममता ने बताया कि उसके परिवार में किसी को बच्चा हुआ था। महिला ने कहा कि वो बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी और उसी दौरान उसकी बेटी प्राची की हॉस्पिटल में एक दोस्त बन गई थी, जिसके साथ खेलने के लिए वो नीचे चली गई थी। इसी दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया और ये महिला बच्चे को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। जब लोगों ने महिला को पकड़ा तो उसने बोला कि बच्ची उसकी बेटी है, लेकिन उस मासूम से पूछे जाने पर उसने बोला कि वो उसकी माँ नहीं है। बच्ची के इतना बोलते ही लोगों ने उसे उस महिला से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस अब इस महिला से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।